जो पेंडिंग वर्क था थोड़ा बहुत वो बचा हुआ है, पर अब हमने सोच लिया कि हमें वर्क और लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा अभी इस टाइम पे। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं तपन तुम्हारे। चलो और वैसे आज ना काफी साफ साफ लग रहा है ऑफिस, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद सफाई हुई है ऑफिस में। बहुत ढंग से सफाई होगी ना आज तो। अभी रिद्धि और मेरा एक ना डिस्कशन चल रहा है एक रिपोर्ट के ऊपर, तो रिद्धि कुछ पीटी कर रही है तो उसे कुछ डाउट्स पूछ रही थी एक बग के ऊपर है रिद्धि। पर वो क्लियर हो गया है, वो सॉल्व भी हो गया, सॉल्व हो गया वो है ना। अच्छी एप्लीकेशन, बड़ी एप्लीकेशन पर टेस्टिंग चल रही है अभी तो। हमारा सुबह से ऐसा दिमाग घूम रहा है क्योंकि ना कुछ क्लाइंट से हमारा चल रहा है बहस पीट, मतलब एक्चुअली मैं आप क्लोज नहीं करते वल्नरेबिलिटी को और फिर आप है ना डिस्कशन करते हो कि ये वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हमारे ब्लॉग को देखते हैं वो पता होगा कि क्लाइंट से ये डिस्कशन हमेशा होता है, वो ट्राई करता है कि सर्वेरिटी लेवल को डाउन करने की। अगर आपने क्रिटिकल देखा है तो उसको वो मीडियम दिखाएगा, बट आप मैनेजमेंट को क्या शो करेगा। तो वो सब चल रहा है अभी हम लोगों का। अभी एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ सी ए सर्टिफाइड अधिकार लाकर का, बोल रहा हूँ उसे व्लॉग के अंदर, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने वाला हूँ आज से, वो वाला नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। रिद्धि आपका क्या चल रहा है, ऑडिट ही चल रहा है अभी? हाँ ऑडिट चलेगा आज भी पूरे दिन और कल भी पूरे दिन मेरा ऑडिट ही रहेगा। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि तपन का दोबारा से केक कट हुआ, दोबारा से पार्टी हुई, तो अब हमारा स्टाफ तपन से पार्टी मांग रहा है। तो तपन ने कुछ मंगवाया है, हम दिखाएंगे कि स्टाफ को अब हम क्या पार्टी में देते हैं। एक बहुत बड़ी वेबसाइट का टेस्टिंग चल रहा है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, इवन आज भी ये कम्प्लीट नहीं होगा मुझे लग रहा है। इसका VA ही कंप्लीट होने में 16 घंटे लगे और अब PT चल रहा है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। चाय का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं तो अब सब स्टाफ को चाय चाहिए। तो रिद्धि बनाएगी अब सब फटाफट है ना, दबन फटाफट से उस बच्चे को भेज के ना चाय मंगवा देते हैं। अभी तो खाना खाया है, अभी अब से चाय है, मतलब इतना सारा नहीं पीनी है, वही जो दूसरे हैं काम कर रहे हैं उन्हें पीने की ज़रूरत है। चलो ठीक है अभी जाते हैं फिर ऑफिस से, काम करना शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं आज का दिन बहुत हैक्टिक होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग जो काम पड़े थे हमारे पास, वो भले ऑडिट का हो या फिर मान लो किसी और चीज़ का हो। अभी हम लोग एक दो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी इंगेज होने वाले बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी अभी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ना अभी काफ़ी सारे पेंडिंग काम जो है वो लाइन से मैंने कॉपी में लिख लिए कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, और अभी निपटाते हैं फटाफट उनको ताकि जल्दी जल्दी हमारा सारा काम कम्प्लीट हो सके। क्या काम कर रहे हो तुम? गाना गा रहा हूँ। गाना गा रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो लैपटॉप पे? ये ऐसा कैसा लगता है, मेरा आधा तो आ ही नहीं रहा मेरा। आप सुना गाना गाओ गोपिया क्या कर रहे थे? अरे यार वो तो ऐसे ही ऐसे मुझे गाना गा रहा था बाहर मेरे साथ, वो कृष्ण जी का थोड़ा चल रहा है ना तो दिमाग में से गाना आ गया, वरना कौन सा गोपिया तारे हैं चांद है रात राधा ऐसे कुछ था। मत गाना गाया करो, देखो अरे यार लिरिक्स से आते हैं सब तरीके के यूजर्स बैठे रहते हैं, प्लीज किसी को बुरा लग गया तो नहीं, बुरा तो क्यों लगेगा, लेकिन हाँ जब कोई बात ही नहीं है, कोई तुम्हें सुरताल पता नहीं है तो तुम क्यों बाहर गाना गा रहे हो? सुरताल पता है भाई, ऐसी बात नहीं है। अले गोपियां नी जानी है रात मन की रानी है, गोपियां आनी जानी, ये गलत चीज है रिद्धि। मैं इतने मस्त मद आवास में गाना गा रहा था और रिद्धि ने अगर स्टॉप कर दिया, मतलब ऑडियो तो बात चलना चाहिए, तपन अच्छा सिंगर है वो, हमारे टेलीकॉलर सुन सुन बोलेगी सर वहाँ पे अंदर बैठे गाना गा रहे और हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग ऑडिट्स कर रहे थे अभी, मतलब मैं भी और तपन भी, अभी तपन ने क्लास ओवर की है तो गाना गा रहा था, तो मैंने सोचा कि बताओ कौन सा गाना गा रहे हो, सबको पता चलना चाहिए। तो ये कौन तरीका होता है, तुम बंद कर देती हो फिर पता चलना चाहिए सबको, अकेले बड़बड़ा रहा हूँ मैं बैठे बैठे, ऐसे नहीं होता बॉस। बताओ ना तपन क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा मैं तो। सुबह तो तुम कह रहे थे कि मैं IP एड्रेस का टेस्ट कर रहा हूं, नेटवर्क टेस्टिंग कर रहा हूं, हो गया तुम्हारा? अरे नहीं यार वो सला खिजी चल रहा है, अब इतना सारा IP आप दे दो फिर आप VPN कनेक्शन में देते नहीं हो, और फिर आप चाहते हो कि उनके सिस्टम पे जाके आप PT करो। कुछ बोलो ना, मुझसे बोलो ना, मना कर दिया उन्होंने कि नहीं देंगे। छुट्टी थोड़ी ना, अपने उनके सिस्टम पे जाके करो टेस्टिंग, तो थोड़ी ना होता है यार, ऐसे नहीं होता, हम नहीं मानते। सुबह से बिल्कुल बात चल रही थी बिल्कुल भयंकर, कल तो चिल्ला गया था,
कल क्या हुआ, कल मैं घर पे गया ना, तो आपने देखा होगा वीडियो जो हमारा था रेस्टोरेंट वाला, तो मैं घर पे गया, मैंने मुझे खाना खाएगा, मैंने लगा कि नहीं अभी ज्यादा भूख लग नहीं रही है, मैंने खाकर आया बाहर, मुझे पानी पीना है, तो मैं मैंने पूछा बाहर से खाकर आया, मैंने लगा कि नहीं, तो मैंने खाकर तो नहीं आया, फिर अगले दिन सुबह मम्मी ने देखा, मैंने अब समझ में आ गया तू कहाँ गया था शाम को खाना खाने के लिए, पिज्जा खाकर आया और बोल रहे हैं यहाँ की भूख नहीं लग रही, तो भाई ये यूट्यूब पे पिज्जा बहुत टेस्टी था, ये यूट्यूब पे भी ये बेकार हो गया कि घर वालों पे झूठ नहीं बोलते हैं, घर वालों को पता रहता है कि आपने क्या करा पूरे दिन भर में, है ना, कि आप कहीं बाहर खाकर आओ तो वो भी दीदा मम्मी बोलती दिन भर तुम लोग खाते रहते हो, तुम लोग कुछ काम धाम नहीं करते, ऐसा थोड़ी ना होता है, काम भी करना चाहिए, हम करते हैं, पर ठीक है खाने का दिखा देते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, यू वोंट बिलीव कि आज हमने पूरा दिन स्पेंड कर दिया सिर्फ इन चेयर्स के ऊपर, मैं रहती सर थोड़ी देर बाहर गया था मैं सिर्फ एक क्लास लेने के लिए, उसके बाद पूरा दिन स्पेंड कर दिया हमने यहीं पे, पूरे कॉल्स पे आज मीटिंग रही है, हाँ और आज ऑडिट्स का चल रहा है, हमारा यहीं पे निकला क्योंकि कॉल्स के एक के बाद एक कॉल्स, एक के बाद एक कॉल्स, कभी किस क्लाइंट का, कभी किस क्लाइंट का, तो ये सब चलता रहता है एक्चुअली, मगर आप ये पीटी प्रोफाइल में तो आ ही जाएगा, कभी कोई क्लाइंट्स आपसे मैथडोलॉजीज मांग लेते हैं, कभी कोई आपसे टूल्स डिस्क्रिप्शन मांग लेते हैं, तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें चलती रहती हैं। रिद्धि अभी चाय के लिए बोल दी, रिद्धि ने 2 घंटे लगा दिए चाय के लिए, पर चाय चाय नहीं आया, मैंने मंगवाई थी क्योंकि स्टाफ को अभी इस टाइम पे 4 से 6 उनका टाइम है कि उनको चाय चाहिए, 4 बजे रिद्धि ने बोला था चाय के लिए, पर अभी तक नहीं आई है बॉस, है ना, समझ में आ रहा है आपको, दोबारा बोलना पड़ेगा, भूल गए शायद, जाओ लेकर आओ खुद ही। एक और चीज़ है ना, हम लोग आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि ना बेसिकली हमें थोड़ा सा ये बताया कि आपको कंटेंट किस हिसाब से चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का था कि ना टेक्निकल कंटेंट चाहिए या फिर मान लो थोड़ा सा कॉमेडी वाला, जनरली अभी हम लोग पूरा टाइम हम लोगों की ऑडिट्स ही चलती रहती है, हाँ, और क्लासेस चलती रहती है, तो अगर आपको कुछ डिफरेंट कंटेंट चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते, आप किस टाइप का कंटेंट पसंद करना चाहेंगे हमारे इस चैनल के ऊपर, ये आप हमें सजेस्ट करके प्लीज़ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं हमारे इस चैनल से, तो अगर आपको कुछ लगता है कि आप कुछ मस्ती मजाक चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, जोक क्रैक्स और वगैरह, आपको टेक्निकल चाहिए तो आपको टेक्निकल भी मिलेगा, तो आप ये सब चीज़ें हमें बताएं, हाँ रिद्धि के पास दुकान रखी हुई है, जो चाहिए सब मिलेगा, क्या जो चाहिए सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, ठीक है ना, तो मतलब आप किस टाइप का कंटेंट आप देना पसंद करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप सब्सक्राइबर किस टाइप के व्यूज़ मतलब किस टाइप का कंटेंट देना पसंद करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं आप लोग हमें सजेशन दें, कमेंट देखिए, प्लान चल रहा है कि कहीं बाहर जाने का, मतलब कोटा से बाहर जाने का मेरा प्लान चल रहा है, तपन का प्लान चल रहा है फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का, तो तपन कहाँ पे ले जा रहे हो तुम मम्मी पापा को अपने, यार घर वालों के साथ में आप जाते हो ना, तो ऐसा कोई नहीं, मतलब हम लोग है क्या मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं ना, तो हम लोग का ऐसा बाहर टूर जो निकलता है ना, तो सीधे कोई ना कोई ना किसी ना किसी ना वो धाम में जाके रुकेगा या फिर कोई ना कोई ना तीर्थ स्थल में जाके रुकते हैं हम लोग, तो आप लोगों का भी होता होगा फैमिली के साथ में अपन लोग कुछ ऐसी जगह जाते हैं अपन, सो अभी हम लोग का चल रहा है कि ना महाकाल के दर्शन करने का, सो मैं व्लॉग भी शूट करूँगा वहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को महाकाल के सीधे दर्शन मिल सकें, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू उज्जैन के अंदर बहुत फेमस महाकाल के महाकाल का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है उज्जैन का, बहुत फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे आपको दर्शन कराने बहुत जल्द लेके जाऊँगा जिसे टाइम मिलेगा थोड़ा सा, 10 तारीख के पहले पहले मान लेते हैं अपन इस चीज़ को, सोच रहे हैं क्या हो गया रिद्धि, नहीं हाँ बोलो, हम लोग रिद्धि उंगली करती है बहुत फ़ोन के अंदर, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग है ना वीकेंड के हिसाब से एक वीडियो बनाना सोच रहे हैं रिद्धि, जिसके अंदर जैसे जितने सब्सक्राइबर हैं अपने तो कमेंट करते हैं, तो उनके मैं सोच रहा हूँ कि उनको 1-to-1 आंसर दें अपन उस वीडियो के अंदर, कोई सब्सक्राइबर बहुत रेयर सब्सक्राइबर्स हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स हम वहीं पे मैसेज कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम उनको वीडियोस में इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, हाँ हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों के ना कमेंट्स को हम लोग पढ़ें, हमारे वीडियो के अंदर ही लिखा हुआ है कमेंट, और उसके बाद फिर आपके आंसर्स हम लोग देंगे, अगर कोई भी आपको जानना है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी चीज़ आप जानना चाहें आप क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर आपको वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालें और हम लोग उसका आंसर के लिए वीडियो बनाएंगे शनिवार को, शनिवार कब होगा, सैटरडे आने वाला है, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, हाँ ऐसा कुछ कुछ थोड़े दिनों में हो जाएगा ना, तो शनिवार तक जो भी हमें भाई वीडियो में कमेंट करने वाले हैं उन सब के लिए स्पेशल ऑफर, ऑफर तो कुछ नहीं है, पर हाँ आप एक कमेंट को हम लोग पर्सनली आप बताएं रीड क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस करने हैं, रीड करने के बाद आपको स्पेशली आपको वीडियो में रिप्लाई देंगे, रिद्धि को ऑफिस में आने के बाद है ना घर जाने की बहुत जल्दी रहती है रिद्धि, कभी भी नहीं रहती, बस आज मुझे कुछ काम है इस वजह से जल्दी मुझे घर जाना है, अदरवाइज डेली मैं 7:30 बाद जाती हूँ, 6:09 में हैं अभी शाम के, और अभी हम लोग हमारे काफ़ी सारे कॉल्स निपटा चुके हैं और
जो पेंडिंग वर्क था थोड़ा बहुत वो बचा हुआ है, पर अब हमने सोच लिया कि हमें वर्क और लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा अभी इस टाइम पे। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं तपन तुम्हारे। अरे सब चीज कहाँ से सीखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज ये होनी चाहिए, वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस होनी चाहिए। तो अभी ऐसा हमने ऐसा सोचा है कि त्यौहार हो कि बर्थडे हो कि कुछ भी हो, दिन रात काम करें, उससे एफिशिएंसी और डाउन होती है। तो हम लोग अभी वर्क लाइफ को बैलेंस करने वाले हैं, तो हम लोग जो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं वो वन बाय वन लेंगे, एक साथ सारे नहीं ले लेंगे, क्योंकि उससे फिर प्रेशर बन जाता है, फिर आपको दिन रात काम करना पड़ता है और उस टाइम पे हम लोग अपना ब्लॉगिंग पे भी फोकस नहीं कर पा रहे लिटरली, ठीक है ना। तो हमने ये सोचा कि भाई अब डेली ब्लॉग करना है तो आपको कम से कम डेली का कुछ ना कुछ आपको कम से कम 5-6 घंटा चाहिए, जिसके अंदर हम लोग हमारा वीडियो एडिटिंग भी कर सकें सब कर सकें। सो अब हम थोड़ा सा काम की स्पीड थोड़ा धीरे करेंगे और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, और ये एक अच्छा डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। देखो काम नहीं आ रहा तुम्हारे पास है, रद्दी का नया ऑफिस खुलने वाला है मुंबई के अंदर, जबरदस्ती हो रही, मेरे को कोई काम नहीं आ रहा अभी भी, मेरे पेंडिंग चल रहे हैं काम। हाँ पेंडिंग चल रहा है वो बात अलग है, पर रिद्धि बहुत जल्दी आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ देगी, शायद 2 महीने के अंदर। ये शादी वाली गुड न्यूज़ नहीं है, ये गुड न्यूज़ जो है ये बेसिकली गुड न्यूज़ ऐसी कि हम लोग एक नया ऑफिस, रिद्धि एक सोच रही है एक नया ऑफिस लेने के लिए मुंबई के अंदर। मुंबई में एक नया ऑफिस खुल रहा है, मेरा ही नहीं हम दोनों का खुल रहा है। सो बेसिकली उसको अपन तो कर्मचारी है भाई, कर्मचारी वहाँ पे सफाई करना हो तो रिद्धि वहाँ पे पहुँचेगी तो अपन पोछा झाड़ू लगाने के लिए पहुँच जाएंगे वहाँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग अब एक ऑफिस मुंबई भी डालने वाले हैं और वो दोनों हम ही ऑपरेट करेंगे, जिसमें ठीक है मैक्सिमम वर्क मैं मान लेती हूँ कि शायद मेरा होगा, बट ठीक है तभी हम दोनों का रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी पर्सनल वर्क की वजह से जल्दी जाना है घर पे, तो आज हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हाँ घर तरफ मूव करेंगे क्योंकि अब हमारा काम हो गया, हमारी टीम का फॉलोअप लेके डायरेक्टली हम मूव करेंगे घर की तरफ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है बॉस, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करना भी कर लो ना भूले ना, और कमेंट करके बताएं कि हम लोग कैसी वीडियो और डालें इस चैनल और कौन कौन से क्वेश्चनरीज आपके पास है हमारे लिए जिसको हमें आंसर देना है। इस वीडियो इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।